नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक के पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड आने के बाद भारत का कौन सा स्थान है। नंबर वन पर चाइना है जिसने 38 गोल्ड 31 सिल्वर 18 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 87 मेडल जीते हैं। और नंबर दो पर यूनाइटेड स्टेट है जिसने 36 गोल्ड 39 सिल्वर 33 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 108 मेडल जीते हैं। नंबर तीन पर जापान है जिसने 27 गोल्ड 12 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 56 मेडल जीते हैं। नंबर चार पर आरओसी है जिसने 20 गोल्ड 26 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 69 मेडल जीते हैं। नंबर पाँच पर ग्रेट ब्रिटेन है जिसने 20 गोल्ड 21 सिल्वर 22 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 63 मेडल जीते हैं। नंबर छः पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने 17 गोल्ड 7 सिल्वर 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल 46 मेडल जीते हैं। और वहीं 11 नंबर पर न्यूजीलैंड है जिसने 7 गोल्ड 6 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 20 मेडल जीते हैं। नंबर 12 पर ब्राजील है जिसने 7 गोल्ड 4 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 19 मेडल जीते हैं। और नंबर 20 पर जमाइका है जिसने 4 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 9 मेडल जीते हैं। नंबर 21 पर स्पेन है जिसने 3 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 17 मेडल जीते हैं। और वहीं भारत की बात करें तो भारत ने 18 देशों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 47 पर अपनी जगह बना ली। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 मेडल 2021 टोक्यो ओलंपिक में जीत लिए हैं और भारत के इस टोक्यो ओलंपिक में इतिहास के सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।